नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की मैं इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M53 5G मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों अगर अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा देंगे दोस्तों आपका मोबाइल फिंगर से ही अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की जैसे सेटिंग में जाएंगे और जैसे सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सेफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और जैसे लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों इस पर क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपने जो भी स्क्रीन लॉक पिन पासवर्ड पैटर्न जो भी बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल में जो साइड में फिंगर है उसमें आपको फिंगर टच करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिंगर इस तरह से टच किया हमारा देख रहे हैं। इसी तरह आपको भी अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट टच कर लेना है। दोस्तों आपको जब तक टच करना है जब तक ये आपका पूरा ग्रीन नहीं हो जाता। दोस्तों इसी तरह आपको हटाना है और लगाना है और यह देख सकते हैं हमारा पूरा 100% होने के बाद ही हमारा यहाँ पर सही का टिक आ गया। और सही का टिक आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डन का ऑप्शन, यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और जैसे डन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका यह फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। और अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ हमारा फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, डायरेक्ट कट किया और कट करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद अपने फिंगर में आप फिंगर टच करूँगा ये हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी M53 5G मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।